नमस्कार दोस्तों, यूआरएन नंबर के थ्रू जब भी मैं अपने आधार कार्ड का ऑनलाइन स्टेटस चेक करता हूं तो मुझे स्टेटस के नीचे एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है कैंसल रिक्वेस्ट का। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं कि कैसे काम करता है। तो मुझे एक न्यू ऑप्शन मिलता है कैंसल रिक्वेस्ट का। तो फाइनली इसका मतलब तो यही हुआ कि हमने अब आधार कार्ड में जो भी करेक्शन कराया है, जो भी अपडेट कराया है, अगर हमको लगता है कि ये गलत हो गया है, ये रॉन्ग हो चुका है, तो हम इसको एज ए ऑनलाइन ही कैंसिल कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि कैसे काम करता है। अगर आपने भी कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल दिया है, पर आपने अपडेट कराया है, गलत हो चुका है, तो आप इसको ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं ऑनलाइन। सबसे पहले आपको इस साइड में आ जाना है। इसके बाद से अगर आपने एड्रेस अपडेट कराया है या फिर कुछ भी अपडेट कराया है ऑनलाइन, तो आपको यूआरएन नंबर मिल गया होगा। तो यहाँ पर चेक अपडेट स्टेटस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से अपना आधार नंबर डालना है, यूआरएन नंबर डालना है जो कि 8 डिजिट का होता है। इसके बाद से ए वाला कैप्चा डाल के सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो आधार अपडेट की रिक्वेस्ट डाली थी अभी वो प्रोसीड में है। और देखिए आपको यहाँ पर नीचे की तरफ एक और ऑप्शन मिल जाएगा कि जब भी आप ये वाला कैप्चा यहाँ पर डाल के सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे, और सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद देख लीजिए, और जो ओटीपी आएगा आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद से नीचे यहाँ पर बता रहा है कि कैंसल रिक्वेस्ट पर, तो इसका यही मतलब हुआ कि आप इस रिक्वेस्ट को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये वाला कैप्चा फिल कर देता हूँ, और मैंने कैप्चा फिल कर दिया है। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, देख लीजिए यहाँ पर अभी ये हाईलाइटेड हो गया है कैंसिल रिक्वेस्ट पे। तो आप इस प्रकार से कैंसिल कर सकते हो। तो मुझे तो कैंसिल नहीं करना है, वरना मैं आपको प्रैक्टिकली कैंसिल करके बता देता। अगर आपको लगता है कैंसिल करना तो आप कर सकते। अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।